रिपोर्टर हम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव, सदी की सबसे अमानवीय घटना। नंबर वन शहर के माथे पर लगा कलंक, मानवता हुई शर्मसार, बेबस लाचार बेसहारा बुजुर्गों को कड़ाके की ठंड में छोड़ा शहर के बाहर। इंदौर नगर निगम का अमानवीय व्यवहार, पहले देखिए द्रवित कर देने वाला यह वीडियो, फिर करते चर्चा। यहाँ पर शासन ने क्या करा है, गरीबों को इंदौर से लाके बेचारे जो चल नहीं सकते फिर नहीं सकते उनको के छोड़ दिया है। ये देखो इंदौर नगर निगम यह कर रही है, इनको यहाँ गाड़ी में भर के यहाँ फेंक दिया है उन सबको। ये नगर निगम की गाड़ी है इंदौर की। वीडियो में देखा आपने कि कुछ लोगों द्वारा किस तरह बेबस लाचार बुजुर्गों को गाड़ी से जानवरों की तरह धकेल कर रोड साइड पर उतारा जा रहा है और उनका सामान भी फेंका जा रहा है। अगर आप इस वीडियो की हकीकत जानेंगे तो शायद अपने आप पर काबू न रख पाएंगे। ये शर्मसार अमानवीय कृत्य किया जा रहा है इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा, और ये डंपर गाड़ी जिसमें जानवरों की तरह ठूस कर इन लाचार बेबस बुजुर्गों को लाया गया वह भी इंदौर नगर निगम की ही है। जी हाँ, वही इंदौर जो पूरे देश में नंबर वन शहर के नाम से विख्यात हो गया है, परंतु अब अपने इस घिनौने अमानवीय कृत्य के लिए पूरी दुनिया में कलंकित शहर के रूप में जाना जाएगा। कौन लोग है ये, इंदौर नगर निगम गाड़ी में इन्हें इस तरह ठूस कर क्यों लाया गया और इस तरह इन्हें कहां पर उतारा जा रहा है, ये सब जानने के लिए देखिए अगला वीडियो जिसमें हम आपको आपके मन में उठे इन सब सवालों के जवाब के साथ बताएंगे इसके आगे की दास्तान, सदी की सबसे अमानवीय घटना पार्ट टू में। तो जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि जैसे ही इसके आगे की दास्तान का वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन के जरिए पता चल जाए। वैसे अपलोड करने के बाद लिंक नोटिफिकेशन में भी दे दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ पहनना है मास्क। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।